कैसे हैं? देखिए, आज बिहार में बहुत सारी यहाँ पर बारिश हुआ है, जो आप लोग देख सकते हैं रोड के किनारे पर कितना पानी यहाँ पर जम जम अभिन हुआ है, क्योंकि रात में मौसम बहुत ख़राब था जिसके कारण बारिश बहुत हुआ है और बारिश होने वाला है, क्योंकि आसमान में देखिए पूरा मौसम अभिन ऐसा ही लगा हुआ है जो बारिश अभिन होगा। अब बारिश होना ज़रूरी है क्योंकि गेहूँ नहीं हो पाएगा, बारिश नहीं होगा तो इसके कारण आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बारिश होना ज़रूरी है बिहार में। बिहार में काफ़ी दिन हो चुका था बारिश नहीं हो रहा था, जिसके कारण बारिश होना बहुत अति ज़रूरी है, क्योंकि गेहूं का भी फायदा होगा और मकई का भी फायदा होगा। अब बारिश नहीं हो रहा था जिसके कारण बहुत सारी यहाँ पर गेहूँ सूख रहा था, और गेहूँ सूखने के कारण अपने बिहार में कितना लोग पटवा लिया था दोबारा तिबारा, और गेहूँ देख रहे हैं बारिश हुआ था जिसके कारण रोड पर देखिए कितना पानी लगा हुआ है, और तूफान भी आया था, मौसम बहुत ख़राब है। अभी सुबह सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ जो आप लोग देख सकते हैं, और मौसम फिर बिगड़ने वाला है, आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ना तो हवा में उधी आ जाइएगा। और आप लोग जितना भी हो सके हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़रूरी है बिहार में होना। बारिश नहीं होगा तो आदमी नहीं जिएगा, मर जाएगा बारिश बिनु। तो आप लोग ज़रूर बारिश को गुहार लगाइए, बारिश हो और होगा, जल्द आने वाला है फिर बारिश, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है और बारिश होना अति ज़रूरी है बिहार में, क्योंकि बारिश नहीं होगा तो फिर काम बहुत ख़राब हो जाएगा। तो बारिश जितना भी होगा उतना ज़रूरी है बारिश आना, और बारिश को आना बहुत ज़रूरी है बिहार में, क्योंकि बिहार में बारिश नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोग से नमो निवेदन है कि आप लोग ऊपर वाला से दुआ कीजिए बारिश खूब बरसे, और बारिश जितना होगा उतना फ़ायदा होगा। अब जा रहे हैं हम लोग खादर छींटने के लिए, अभी नहीं, फिर बारिश आने वाला है, बारिश हो जाएगा तब खादर उधर छिटाएगा, उसके बाद मकई में खादर छिटाएगा और गेहूं में भी, तब अच्छा रहेगा। आलू तो बारिश होगा तो नुकसान होगा, तो मगर उतना देखा जाएगा तो काम नहीं चलेगा। तो आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके। अभी जा रहा है, देखिए यहाँ पर आग ही फूकाने जा रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है जिसके कारण थोड़ा सा आग ही फूका रहा है, और आग ही फूकाएगा और वहाँ पर हम लोग आग ही तापेंगे, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा फेसबुक पर और पेज पर और यूट्यूब पर, दोनों पर डालेंगे। आप लोग जहाँ भी देख रहे हैं फेसबुक पर देखते होंगे तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पर देखते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए दोस्त, ये चिपरी है जो गाय का है, और वहाँ पर चिपरी बनाकर उस पर रखा गया है और सुखाने के लिए, वो रात में भीग चुका है, बारिश हो रहा था तो अब इन फिर भीगने वाला है, बारिश बहुत होने वाला है तेज। तो आप लोग जहाँ भी रहिए, जहाँ भी घर में घुस कर रहिए, आराम से बारिश नहीं होगा तो, बारिश होगा तो आप लोग सावधानी पूर्वक रहिएगा, ना तो आप लोग का तबीयत ख़राब हो जाएगा, बाद में फंस सकते हैं आप लोग डॉक्टर के पास जाकर। तो आप लोग से मेरा विनती है जो बारिश होगा, अभी जल्द से जल्द बारिश होने वाला है 10 मिनट के अंदर में, तो आप लोग ज़रूर इस बात पर ध्यान दीजिए, 10 मिनट में बारिश होगा, और 10 मिनट के अंदर आप लोग जो भी काम आप लोग से छूटा उटा होगा वो ज़रूर निपटा लीजिए, ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो देख रहे हैं बारिश हुआ है, तो आप लोग देखिए रोड के किनारे कितना बारिश हुआ है, अभी सब चारों तरफ पानी जमा हुआ है जितना हो सके उतना, और देखिए यहाँ पर बगल में आग ही फूका गया है, और हम लोग बैठेंगे आग ही तापने के लिए। अभी हवा देखिए कितना स्पीड में है, एक तरफा आग पकड़ा हुआ है जो इधर से इधर भाग रहा है, हवा जो पश्चिम से बह रहा है पूरब के साइड जा रहा है धुआँ, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, फेसबुक पर देखते होंगे तो लाइव, फेसबुक पर देखते होंगे तो फेसबुक को लाइव
लाइक कर दीजिएगा और फॉलो बढ़ाइएगा। यूट्यूब पर देखते होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक ले खुदा हाफिज़।